नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर हाईवे से, जहां पर होमगार्ड की बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने जब वर्दीधारी की बॉडी पड़ी देखी तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद बताया, अनूप कुमार शुक्ला जो कि विधुन दीनदयालपुरम निवासी है, मृतक के पास से मौके से मोबाइल बरामद कर परिवार वालों को सूचना दी। परिवार वालों ने करीबी पर हत्या की आशंका जताई। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए नौबस्ता इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह ने फॉरेंसिक टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करते हुए कई साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद बॉडी को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। वहीं परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं जब परिवार वालों से पूरे मामले की जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि परिवार में मृतक अनूप शुक्ला और उनकी पत्नी नीलम शुक्ला हैं। शादी के 22 साल पूरे हो गए हैं, वही कोई संतान नहीं है। वही पत्नी नीलम के मुताबिक देर रात 10 बजे बात हुई थी, जो कि फोन पर चुनाव में ड्यूटी लगने की बात बोल रहे थे, जिसके बाद से फोन बंद जा रहा है। सुबह जब पुलिस का फोन आया तो पता चला कि इनकी बॉडी मिली है। कहाँ जाना था? यहाँ सूचना कितने पुलिस ने दी आपको? कैसे कैसे पता चला पुलिस को? मोबाइल नंबर से भैया पता मिला। आज क्या सूचना मिली थी और क्या हुआ है? सूचना ये मिली कि वहाँ पे ठेके के पास मिट्टी पड़ी हुई, एक्सीडेंट होता तो मतलब ठेके के अंदर खुलन हो जाए। क्या लग रहा है कि मारा गया है? मारा गया है, सर पे सर से निकल मत्थे का चोट, आंखें आंखें निकल गया, आंखों मत्थे ने आंखों में। घर से लिए कहाँ पे पोस्टिंग है इस समय? अब ये नहीं बता पाएंगे कहाँ पे पोस्टिंग है, यही कानीपुर में है किसी थाने में। पुलिस को सूचना दी है कोई? पुलिस को सूचना दी गई है।